एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं ईशा। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी की तड़के वाली इडली, जो बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये सॉफ्ट और स्पंजी भी होती है और इसे आप नारियल की चटनी के साथ खाएंगे तो इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा और इसे आप तुरंत बना के खा सकते हैं। और ये बहुत ही लाइट और हेल्दी स्नैक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम सूजी की तड़के वाली इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। तड़के वाली रवा इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप सूजी ली है। तो ये हमारा मेजरिंग कप है, इसी के 2 कप हमने सूजी ली है और इसी का 1 कप हमने दही लिया है। तो अब हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। इडली का बैटर तैयार करने के लिए हम यहाँ पे सूजी में दही ऐड करेंगे। तो ये 1 कप दही है और 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वही कप का यूज़ करेंगे जिसे हमने सूजी को नाप लिया था, वैसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। वैसे हम 20 से 25 मिनट तक रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छी सेट हो जाए। जब तक हमारी सूजी सेट हो रही है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस ऑन कर ली है। अब पैन में हम 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे और तेल को भी अच्छा गर्म होने देंगे हम यहाँ पे। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम 1 पिंच हींग ऐड करेंगे, सरसों ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऐसे हम क्रैकल होने देते हैं क्योंकि ये तड़के वाली इडली है। तो आप यहाँ पे जीरा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। ये हमारी सरसों भी अच्छी क्रैकल हो गई है तो अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है। ये हरी मिर्ची भी हमारी अच्छी फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चना दाल ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें उड़द दाल ऐड करेंगे। और इसे हम गैस की फ्लेम लो करके इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, जब तक जो हमारी दाल है वो गल ना जाए और अच्छी फ्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे आप गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर दें। ये दाल हमारी अच्छी फ्राई हो चुकी है तो लास्ट में अब हम इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे। करी लीव्स को भी हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमारा तड़का अब रेडी हो चुका है। तो इस तड़के को हम ठंडा होने के बाद इडली के बैटर में ऐड करेंगे। अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं तो हम प्लेट हटा लेते हैं और सूजी को चेक कर लेते हैं। तो ये सूजी हमारी अच्छी फूल चुकी है और बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। हमें यहाँ पे सेमी थिक बैटर ही रखना है तड़का इडली के लिए। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे इसमें हम। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का हमको बैटर रखना है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार रहेगा। सब्जी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने गाजर ली है, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं बीजे अलग करके। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे जो और कलरफुल कर देगा हमारी इडली को। और अब हम इसमें तड़का ऐड करेंगे, जो हमारा तड़का ठंडा हो चुका है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी यह हमारी तड़के वाली इडली बनेगी जिसे आप बिना सांभर के साथ खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी भी होती है ये इडली और सॉफ्ट और स्पंजी भी बनती है ये। जब कभी आपको हल्की भूख लगे तो आप इसे बना के खा सकते हैं। ये तड़का और सब्जी हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह का हमको बैटर चाहिए तो अब हम इसमें इनो का 1 पैकेट ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसे एक्टिवेट करने के लिए। वैसे तुरंत मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इनो से बहुत अच्छी इडली बनती है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी भी बनती है। तो इसे डाल के आप तुरंत हिला लें
तो इन्हों हमारे बैटर में अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। तो अब हम इसे सांचों में डालेंगे, इडली के सांचे में। तो यहाँ पे हमने सांचे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ये सारे बैटर को हमने इडली के सांचे में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे स्टीम करेंगे। इडली को स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पानी को अच्छा गर्म कर लिया है। तो अब हम इसमें प्लेट ऐड करेंगे। अब हम इसमें दूसरी प्लेट रखेंगे और इसे ढक देंगे हम। इसे हम 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम में स्टीम होने देते हैं। अब 12 मिनट हो चुके हैं तो हम ढक्कन हटा लेते हैं और इडलियों को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी इडली बहुत अच्छी फूट चुकी है। तो इसे हम टूथपिक डाल के देख लेते हैं। तो हमारी टूथपिक एकदम साफ निकली है, तो इसका मतलब हमारी इडली अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इन प्लेटों को बाहर निकालेंगे। ये इडली हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो हम चाकू लेंगे और इस तरीके से हम इसके साइड्स को हटा लेंगे, तो बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया बनी है हमारी तड़के वाली इडली और बहुत अच्छी ये फूल भी चुकी है। तो इसी तरीके से हम सारी इडली को निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं और बहुत ही बढ़िया भी ये बनती हैं और बहुत हेल्दी भी होती हैं ये। ये सारी इडली को हमने डीमोल्ड कर लिया है, तो बहुत ही बढ़िया ये हमारी तड़के वाली इडली बन चुकी है। तो अब हम इसे आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी जालीदार ये बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसमें तड़का लगा और कितनी जाली आ चुकी है। और ये बहुत ही लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। कभी भी जब आपको हल्की फुल्की भूख हो तो आप इसे तुरंत बना के खा सकते हैं। इसे आप कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल चटनी के साथ तो स्पेशली बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप भी इसे क्विक सी इजी सी रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।